क्या रहा होगा तो राम राज्य में बहुत सी बातें लिखी हैं रामायण में कि राम राज्य जब था तो क्या था तो राम राज्य में दंड नहीं था बहुत सीमित दंड था दंड केवल दंडी सन्यासियों के पास था भेद नहीं था भेद केवल ये नाटक का जो पर्दा इस सभाग्रह में आप बिल्कुल मेरे सीधे देखिए दक्षिण हाथ की ओर और, और इधर ये पीछे भी कुछ आपको कर्टेंस दिखाई दे रहे हैं ये पर्दे भेद ये भेद की नहीं है ना पर्दे तो राजनीति चार चीजों से चलती है साम दाम दंड भेद तो राम राज्य में ये दो चीजें थी नहीं भेद भी नहीं था भेद के नाम पर केवल एक कर्टेन पर्दा भर और दंड के नाम पर सन्यासियों के पास दंड बाकी क्या था धर्म और अर्थ तो जिस दिन आपके पास ज्ञान आएगा तो अर्थ की सुचिता अर्थ विनिमय अर्थ निवेश अर्थ संचय अर्थ माने आजीविका का स्रोत और फिर उसका लाभ कैसे लिया जाए और दिया जाए यहां पे बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो दीपावली पर अथवा साल के पहले दिन अथवा किसी शुभ पर्व पर अपने बही खाते में सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करके दो ही अक्षर दो ही शब्द लिखते हैं हम दो केवल बही खाते पे लिखा क्या जाता है भारत की परंपरा देखो क्या है गुरुओं ने क्या सिखाया शुभ लाभ लाभ तो लेना है लेकिन शुभ हो शुभ लाभ लाभ नहीं लाभ से पहले शुभ कितना लेना है और कितना देना है तो अगर ज्ञान आपके पास होगा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम शास्त्र के अनुकूल आप रहेंगे शास्त्र अथवा वेद अथवा गुरु द्वारा उपदेशित और महाजन द्वारा आचरित अगर मार्ग पर आप चल रहे हैं तो ज्ञान आपके पास आ जाएगा और वो ज्ञान से फिर जब अर्थ आपको मिलेगा तो लाभान्वित करने वाला होगा वो भयभीत करने वाला नहीं होगा उसे अहंकार नहीं आएगा उसे आप में अहमन्यता नहीं आएगी अभी तो कई बार बिना कई बार अर्थ कूद करता है प्रदर्शन की ले जाता है जिनके पास बिना श्रम साधना योग्यता पात्रता की और ऐसी तिकड़म से बहुत पैसे आ जाते हैं तो उछलते हैं मन करता है दिखाएं बताएं जताएं क्या करें इनको करें क्या कैसे शो करें डिस्प्ले कैसे करें क्या करें सब ये तो कई बार अर्थ अनर्थ भी कर देता है बड़ा अधिक अनर्थ कर देता है अभिमान ले आएगा बड़े से दिखने लगोगे और फिर भाषा ही बदल जाएगी कुछ और जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें आप क्या समझेंगे तो ये जो मेरा संकेत है कि जैसे आप आध्यात्मिक होते हैं तब वो अर्थ प्रसाद है अर्थ आपको उपहार में मिला है वो सबके लिए है और कोई चीज अपने लिए फिर रखी नहीं जाती बटने में आनंद है हमारी संस्कृति कहती है कि अर्थ जितना निवेश में जाएगा जितना दूसरों के लिए लगेगा वो उतना ही आपको मजबूत करेगा मैं गांव की कल्पना करके दिखा रहा हूं एक छोटी सी कल्पना